बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण अपनी लाइफ में डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद इसे लेकर कई बात शेयर करते नजर आई थी। इस बारे में उन्होंने पहले भी कहा था कि ये आसान नहीं होता, इस बीमारी से लड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस डिंपल गर्ल को डिप्रेशन पर बोलकर SSR के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन का सामना कर चुके हैं SSR, इस तरह की बातें सामने आने के बाद इसे लेकर बात करने वाली दीपिका खुद ही ट्रोल हो गई हैं। ट्विटर पर दीपिका पादुकोण को ट्रोल करने वालों ने क्या कुछ नहीं कहा। लगभग 22,000 से ज़्यादा ट्वीट्स दीपिका के खिलाफ, दीपिका के डिप्रेशन वाले ट्वीट के खिलाफ, पोस्ट के खिलाफ, दीपिका पादुकोण की निजी ज़िंदगी को लेकर कंगना रनौत के एक ट्वीट के बाद उनके खिलाफ जमकर भारी परेशानियों को लेकर लगातार ही खबरें आ रही हैं। जानकर आपको हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें, खासकर SSR के फैंस ने उन्हें लेकर ये कहा है कि उन्हें लेकर कि वाकई में दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन को एक बिजनेस बना दिया है। ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं दीपिका पादुकोण, डिप्रेशन की एंग्जाइटी की अनुष्का शर्मा बन चुकी है। लेकिन SSR उनमें से कोई भी नहीं थे। SSR को डिप्रेशन था या नहीं, इस बारे में बिना जाने, इस बारे में सच का बिना पता लगाए, बिना उन्हें सपोर्ट किए अपने डिप्रेशन के धंधे को दीपिका आगे बढ़ा रही हैं। सोशल अकाउंट से डिप्रेशन दीपिका का ये कहकर लोग उन्हें खूब ट्रॉल कर रहे हैं। ट्विटर पर ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वेल, आपको बताना चाहेंगे दीपिका की डिप्रेशन वाली स्टेटमेंट और पोस्ट जो SSR के निधन के बाद वायरल हुए, उसे लेकर लोग गुस्से में थे। और कंगना ने जब दीपिका को स्लैम किया, ट्रॉल किया, तो फिर लोगों ने भी उन्हें ट्रॉल कर लिया और SSR के फैंस दीपिका के डिप्रेशन पर खूब नाराज नज़र आए हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए इस तरह से उनके डिप्रेशन वाले स्टेटमेंट्स को कोट करते हुए खूब उनका मजाक बनाया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।